इंदौर की राशन माफियाओं के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही है। वहीं पुलिस द्वारा इंदौर के अलग अलग 6 थानों में 10 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें पूर्व में 10 राशन माफियाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 10 ही मामलों में फरार चल रहे राशन माफियाओं पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित कर दिया है, जिसके लिए पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल इंदौर पुलिस राशन माफियाओं के खिलाफ लगातार मामले दर्ज कर रही है, जिसमें पुलिस द्वारा फरार राशन माफिया पर 5,000 के नाम की घोषणा भी कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा खाद्य विभाग से दस्तावेज व नियमावली प्राप्त की जा चुकी है, जिसमें कुछ दस्तावेज पुलिस को भी मिल चुके हैं। वहीं अभी तक जो राशन माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। वहीं फरार राशन माफियाओं को पकड़ने के लिए अलग अलग टीम बनाई जा रही है, ताकि फरार राशन माफियाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बहरहाल पुलिस द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जहां जहां राशन की दुकान थी और जहां से शिकायत मिली थी, वहीं एक पुलिस टीम पहुंचेगी और शिकायत करने वालों को सूचित कर उन्हें बुलवाया जाएगा और अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। वहीं एएसपी राजेश व्यास ने जनता से अपील भी की है कि जो लोग राशन माफियाओं द्वारा ठगी के शिकार हुए हैं, वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सर, राशन माफिया जो लगातार जिस तरह की कार्रवाई हुई, उसमें सर अभी कहाँ तक पहुँची है जांच और अभी किस तरह की इसमें अभी डेट है? देखिए, राशन माफियाओं की जो शिकायत थी और उस पर से इंदौर शहर के 6 थानों में 10 मामले कायम हुए हैं। इसमें करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो खाद्य विभाग से जो आवश्यक दस्तावेज थे और जो नियमावली थी, वो उनसे प्राप्त की जा रही है। कुछ एक केसेस में हमें प्राप्त हो गई है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। आरोपी जो बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम्स बनाई गई है। इनाम भी घोषित किए गए हैं। और इसके अलावा जो हम अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं, कि जहाँ जहाँ पर ये राशन की दुकानें थी, जहाँ पर हमें शिकायतें मिली, वहाँ पर हमारी जो टीम है वहाँ पर पहुँचेगी और एक दिन पहले वहाँ के लोगों को सूचित किया जाएगा। तो जिसको अपनी बात कहनी हो, आम जनता को, वो मौके पर ही अपनी बात को कह सकेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये बात आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी जो नागरिक लोग हैं, जो इन सबसे परेशान हैं, वो हमारे पास आए और हमें अपनी बात बताए कि किस तरह से ये राशन माफिया ने उनको ठगा है और नुकसान पहुंचाया है। सर, कितने इनाम घोषित है इनके जो फरार हैं? 5,000 रुपये का इनाम घोषित है एक व्यक्ति के ऊपर, आरोपी के ऊपर। और इसके अलावा जो भी आरोपी फरार है, वो सबके लिए पृथक पृथक टीम बनाई है हमने।